नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मई बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे ब्लैक फंगस रोग को महामारी घोषित कर दिया है। राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 की सहपठित धारा 4 के तहत ब्लैक फंगस को संपूर्ण राज्य में महामारी व अधिसूचित रोग अधिसूचित किया गया है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोड़ा की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव के कारण म्यूकर माइकोसिस के मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। राजस्थान में आज सुबह डिप्रेशन के साथ प्रवेश कर चुके ताऊते तूफान अगले कुछ घंटों में जयपुर संभाग में प्रवेश करेगा। इसके कारण जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं ताऊते के प्रदेश में दस्तक देने से पहले ही प्रदेश का लगभग हर कोना बारिश से भीग चुका है। इस दौरान सबसे ज़्यादा 233 मिलीमीटर बारिश डूंगरपुर के वेजा में दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ताऊते तूफान ने बुधवार को सुबह 5:30 बजे प्रदेश में प्रवेश किया था। इसका केंद्र उदयपुर से 60 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम रहा। अगले 12 घंटों में ये लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। अब ये तूफान उत्तर पूर्व राजस्थान की ओर पड़ रहा है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बारिश होगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर रेल यात्रियों की संख्या में आई कमी और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के आरक्षण प्रणाली कार्यालयों को 21 मई से एक ही पारी में खोला जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबंधक सामान्य मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार बीकानेर मंडल के बीकानेर, भिवानी, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर यात्री आरक्षण प्रणाली कार्यालय को एक ही पारी में दोपहर 2 बजे तक संचालित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में आईसीएमआर की नई गाइडलाइन के चलते अब जिले में भी प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगा दी गई है। एक और जहां कई मरीजों के लिए प्लाज्मा जीवनदान साबित हुई, वहीं आईसीएमआर ने इस पर ये कहकर रोक लगा दी थी कि ये थेरेपी प्रभावी नहीं है। नई गाइडलाइन में इसे हटा दिया गया। राजस्थान में कोरोना के संकट काल में भारतीय वैक्सीन विदेश में भेजे जाने को लेकर चल रहे पोस्टर वॉर जारी है। अब इस सियासी जंग में आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध जताने के लिए विरोध स्वरूप सोशल मीडिया की प्रोफाइल तस्वीर बदल दी है। इस डीपी पर लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। राजस्थान प्रदेश नेतृत्व की ओर से कार्यकर्ताओं को पोस्टर बनाकर उसके साथ वीडियो और फोटो भी तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने को कहा है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में उबाल शुरू हो गया है। सचिन पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी हेमाराम चौधरी के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। विधायक सोलंकी ने कांग्रेस विधायकों की सुनवाई नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। सोलंकी ने मीडिया से कहा, ज्यादातर विधायकों की हालत हेमाराम जैसी है, अकेले हेमाराम चौधरी ही पीड़ित नहीं है। राजस्थान में कोरोना के मामले में सुखद खबर है। यहाँ मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। इस कारण सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों को बेड्स के लिए पहले की तरह ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। पिछले 4 दिन की रिपोर्ट देखें तो प्रदेश में 25% एक्टिव केसों में कमी आई है। 4 दिन पहले तक प्रदेश में 212,000 एक्टिव मरीज थे, जो अब घटकर 1,59,000 पर पहुँच गए हैं। वहीं संक्रमित केसों की संख्या भी 1 सप्ताह के अंदर आधी रह गई। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के साथ ही अब तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी लहर से सबक लेते हुए तीसरी लहर में स्थितियां बेकाबू ना हो, इसके लिए समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने पर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों से मिली आशंका के बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस दिशा में सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार देर रात को एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही शहरों के साथ ही ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। कोटा के कोविड अस्पताल में एक बार फिर ऑक्सीजन बेड फुल हो गए हैं। इससे अस्पताल की व्यवस्थाएं फिर बाधित हो गई। मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड फुल होने से जीरियाट्रिक विभाग में बनी ओपीडी में जमीन पलटाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। अस्पताल के हालात वापस खराब हो गए हैं।
नागौर में बारिश का मौसम सामने है और किसान खरीफ की बुआई करने के लिए खेतों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। खरीफ की उपज को बढ़ाने के लिए किसान उर्वरकों का उपयोग भी करते हैं। जिले में हर वर्ष खरीफ की बुआई करीब 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है, जिसके चलते उर्वरकों का उपयोग भी बड़ी मात्रा में होता है, जिसका फायदा उठाकर कुछ दुकानदार कृषि विभाग के अधिकारियों की नज़र बचाकर नकली उर्वरक बेच देते हैं, जिसका सीधा नुकसान किसान एवं फसल को होता है। इसी को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को जागरूक रहकर असली और नकली उर्वरक की पहचान करके खरीद करने का आह्वान किया है। चूरू के साहवा कस्बे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण पुलिस और प्रशासन की अपील के बाद सब्जी व्यापारियों ने बुधवार को सब्जी और फल की दुकानों को बंद कर दिया है। ऐसा अब रविवार तक रहेगा। 5 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन से संक्रमण की चेन तोड़ने का प्रयास रहेगा। इससे पहले मंगलवार को पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने व्यापारियों से बातचीत की थी। इसके बाद बुधवार से ही ये फैसला अमल में लाया जा रहा है। भरतपुर में सरकारी वेंटिलेटरों से मनमानी कमाई करने वाले जिंदल हॉस्पिटल ने मंगलवार को आरबीएम अस्पताल को 5 वेंटिलेटर लौटा दिए। साथ ही मरीजों से वसूली गई मनमानी कीमत के 1,62,000 रुपये भी राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी को दिए हैं। निजी हॉस्पिटल में सरकारी वेंटिलेटर्स के उपयोग के सुर्खियों में आने के बाद सोमवार को आरबीएम की पीएमओ डॉक्टर जिज्ञासा साहनी ने हॉस्पिटल को चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद हॉस्पिटल ने 5 वेंटिलेटर वापस कर दिए हैं। अरब सागर से उठे चक्रवात ताऊते के चलते अलवर में मंगलवार से हो रही रिमझिम बारिश बुधवार सुबह तेज हो गई। कुछ ही देर बाद शहर में पानी भर गया। बालाकिला के नीचे किशनकुंड में झरने से पानी आने लगा। आसपास के लोग झरने को देखने पहुंच गए। वहीं कई अन्य जगहों पर भी जल स्रोत में पानी की आवक हुई है। दोपहर बाद भी जिले में बारिश जारी थी। कोटा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी व महिला मरीज की मौत का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर उज्जवल राठौर ने बताया कि मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच की जिम्मेदारी एडीएम सिटी व मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को सौंपी है। ये टीम हॉस्पिटल की भूमिका व मिलीभगत की प्रशासनिक जाँच का 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। आदिवासी बाहुल्य जिले डूंगरपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं। जिले में अब तक 2 लाख के करीब लोगों के वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। डूंगरपुर जिले में लोग अब सभी भ्रम व अफवाहों को त्याग कर वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBD न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।